प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन एक आया हुआ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, फिर इसके बाद इसको करने की प्रोसेस शुरू करते हैं। इफ अ कोन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय ड्रॉइंग ए प्लेन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स एक्सिस, देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द कोन इज। एक कह रहा है कोन है, इस कोन की जो एक्सिस है इसके मिड पॉइंट से इसको एक प्लेन से काट दिया जाता है तो दो पार्ट हो जाएंगे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो कह रहे ये जो दो पार्ट आ रहे हैं, एक ऊपर वाला जो कटा हुआ पार्ट है और जो नीचे बचा हुआ पार्ट है, इन दोनों के वॉल्यूम्स का आयतन का अनुपात क्या होगा। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से समझिएगा, एक कोई शंकु है, इसकी एक्सिस के इसके अक्ष के मिड पॉइंट से इसको एक प्लेन से ऐसे काट दिया जाता है, जैसे ये है इस तरीके से ऐसे काट दिया गया, तो दो पार्ट हो गए, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो इन दोनों के आयतनों का अनुपात बताना है क्या होगा। चलिए पहले फिगर ड्रॉ करके इसको समझ लेते किस तरीके से है। इस तरीके से बच्चों ये कोन है, ये कोन है, ये इसकी क्या है हाइट है, ये हाइट है, ये इसकी हाइट बच्चों क्या है h, पूरी हाइट क्या है h है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट h है, ये इसका मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से ऐसे इसको प्लेन से ऐसे कट कर दिया गया है ना। तो ये इस तरीके से ऊपर ये ऐसे एक शंकु बन के निकल आएगा, ऐसे इस तरीके से ऐसे जब बीच से काटोगे तो ऊपर एक शंकु बन के निकल आएगा इस तरीके से। तो एक चीज ये ऊपर का एक शंकु बनेगा, नीचे की ये चीज, इन दोनों का अनुपात बताना है आयतनों का, ठीक है ना। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर नाम लिख लेते हैं, ये है ए, ये बी, ये सी, डी और ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम लिख लेते हैं ई और ये एफ है, इस तरीके से। ध्यान देना बच्चों, जरा अगर हम इसको ऐसे मिला दें इस तरीके से, तो जरा ध्यान देना, यहाँ पर एक ट्रायंगल आपको इस तरीके से दिखाई पड़ रहा होगा, एक ट्रायंगल ये ए डी ई, ये ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा ना, ये ट्रायंगल देखो और दूसरा ट्रायंगल देखो, ए बी और ये ओ, ए डी ई ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल ए बी ओ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। देखो ये वाला ट्रायंगल ऐसे देखना है और ये वाला ट्रायंगल ऐसे देखना, सिमिलर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल बच्चों कितना है 90 डिग्री, यहाँ पर ये एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है ना। दूसरी चीज, एक ये एंगल और ये एंगल इसमें सेम है, दूसरा जितना एंगल ये है ऊपर वाले ट्रायंगल में उतना ही ये वाला बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल है। तो जब किन्हीं दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स बराबर होते हैं, दो एंगल्स अगर बराबर होते हैं तो तीसरा अपने आप क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और ऐसे में बच्चों क्या होता है कि ऐसे भी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या कहलाते हैं, सिमिलर। और सिमिलर ट्रायंगल में कंडीशन क्या होती है कि इन दोनों ट्रायंगल्स की कोई भी दो साइड का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट। कोई भी दो साइड का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट। जैसे इस ट्रायंगल में अगर ये साइड और ये साइड ले लें तो इसका जो रेशियो होगा वही रेशियो इसका और इसका होगा। दो साइड का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कि अगर कोई दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो इन सिमिलर ट्रायंगल्स में दो साइड्स का रेशियो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, कांस्टेंट होता है, ये ध्यान रखना। चलिए उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ध्यान दो बच्चों कि इसको हमने मिड पॉइंट से काटा था, तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एच है तो ये ऊपर वाला पार्ट कितना बचा होगा, ये बचा होगा h बाई टू बचा होगा ना, ये पार्ट कितना आ जाएगा h बाई टू, क्योंकि हमने मिड पॉइंट से इसको काटा है। अब ये रेडियस इसकी क्या है, r है, तो अब हमें ये पता करना है। तो अब हम ट्रायंगल लेते हैं, बात करते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल a d e और ट्रायंगल a b o, ट्रायंगल a b o ये कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल है। तो इसमें से अगर हम बात करें तो इस साइड और इस साइड का रेशियो इसमें ले लें तो वही काम इसमें करेंगे, इस साइड और इस साइड का रेशियो लेंगे तो ये दोनों रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मींस क्या हुआ बच्चों, इट मींस ये हुआ इस साइड और इस साइड का रेशियो, मींस डी ई अपॉन ए ई, डी ई अपॉन ई।
इस छोटे वाले ट्रेंगल में हमने साइड डी ई और ये वाली साइड ली है, ये साइड और ये साइड, तो वही काम इसमें करेंगे। इस बड़े वाले ट्रेंगल में ये साइड और ये साइड आएगी, इक्वल होगा ओ बी अपॉन ओ ए, होगा ना बच्चों? चलिए अब देखो डी ई हमें नहीं पता है, डी ई नहीं पता है, लिख दिया। अब ए ई कितना है? ए ई यहां से यहां तक बच्चों कितना है? यहां से ए ई ये बताना है, ए ई कितना है? एच बाई टू है कि नहीं है? तो ये क्या हो गया? एच बाई टू। ये बच्चों क्या हो गया? एच बाई टू हो गया। इक्वल ओ बी कितना है? ओ बी हमारा है आर, और ओ ए कितना है? ओ ए यहां से यहां तक ये कितना है? एच है, सही है ना? चलिए तो इससे हमें बताना है बच्चों, ये देखो H से ये वाला H क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा डी ई अपॉन वन बाई टू इक्वल आर अपॉन वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी ई इक्वल क्या हो जाएगा? आर इंटू वन बाई टू मीन्स आर बाई टू। मतलब हमें ये पता चल गया डी ई ये जो पोर्शन है ये कितना है? आर बाई टू। और ये जो डी ई है यही तो इस स्मॉलर जो कोन बन रहा है छोटा वाला शंकु उसकी रेडियस है कि नहीं है? मतलब ऊपर वाला जो शंकु बन रहा है उसकी रेडियस है। तो ये डी ई क्या हो गई? डी ई ये क्या है? रेडियस ऑफ स्मॉलर कोन। अब हमको बच्चों इसकी रेडियस पता चल गई और इसकी हाइट पहले से पता थी, देन इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? देन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन जो ऊपर वाला शंकु उसका आयतन क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 pi आर स्क्वायर एच होता है ना बच्चों, कितना हो जाएगा? 1/3 pi r² इसकी रेडियस क्या आ रही? r/2। तो r/2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और इसकी हाइट क्या है? h/2। कितना हो जाएगा बच्चों? 1/3 pi r² / 4 h/2। फाइनली कितना हो जाएगा? 1/3 pi r² h/8। यही होगा ना? तो बच्चों इतने का एरिया आ गया, और ये एरिया हम मेंशन कर सकते हैं, इसको फाइनली लिख सकते हैं, दिस इज द एरिया ऑफ कोन, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन ADF इस पूरे कोन का, ADF जो कोन बन रहा है उसका वॉल्यूम कितना आ गया? 1/3 pi r² h/8 आ गया। क्लियर? अब हम पूरे का वॉल्यूम देख लेते हैं, पूरे कोन का वॉल्यूम क्या होगा। एक चीज तो हमको ये पता चल गई, ये आ गया, ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन जो बड़ा वाला कोन है उसका वॉल्यूम क्या होगा? उसका वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? 1/3 pi r² h। उसका वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 pi r² h, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है? आर, और इसकी हाइट क्या है? एच है। बच्चों पूरे का वॉल्यूम, पूरे कोन का वॉल्यूम है 1/3 pi r² h, और ऊपर वाले कोन का वॉल्यूम हमने ये निकाल लिया है, तो नीचे जो बची आकृति है, नीचे या रिमेनिंग जो नीचे का पार्ट है उसका वॉल्यूम क्या होगा? देन वॉल्यूम ऑफ लोअर पार्ट नीचे के पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा? लोअर पार्ट, नीचे के पार्ट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों? पूरे का वॉल्यूम है 1/3 pi r² h, इसमें से माइनस कर देंगे ये वाला वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा 1/3 pi r² h/8 हो जाएगा ना? तो बच्चों ये हो जाएगा 1/3 pi r² कॉमन हो गया, क्या बच जाएगा? h - h/8 कितना हो जाएगा? 1/3 pi r² 8h - h 7h/8 हो जाएगा ना बच्चों? तो ये लोअर पार्ट का वॉल्यूम इतना आ गया, अपर पार्ट का वॉल्यूम इतना है, देन रेशियो ऑफ
वॉल्यूम्स ऑफ अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा? अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, अपर पार्ट का वॉल्यूम बच्चों क्या आ रहा है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 8। और लोअर पार्ट का वॉल्यूम क्या आ रहे हैं? लोअर पार्ट का वॉल्यूम आ रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर 7h अपॉन 8, यही तो आ रहा है। अब बच्चों 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, 8 से ये 8 कैंसिल, h से ये h कैंसिल, कितना आ गया? 1:7। कितना आ जाएगा? 1:7। और यही हमारा क्या है? रिक्वायर्ड आंसर है। और यही हमसे पूछा गया था कि इस ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, तो रिक्वायर्ड आंसर हमारा बच्चों क्या आ गया? 1:7। कितना बढ़िया सा क्वेश्चन था, इतना बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं बच्चों हम लोग। हमने एक कोन लिया जिसकी हाइट क्या थी? एच थी। जिसका रेडियस क्या था? आर था। इसका मिड पॉइंट से, इसको प्लेन से ऐसे कट कर दिया गया था, यहाँ से ऐसे कट कर दिया, मिड पॉइंट से काटा गया था। तो अगर ये एच था तो ये ऊपर का पार्ट क्या रहेगा? h/2, मिड पॉइंट से काटा गया था। अब आप यहाँ देखिए कि इस, ये एक ट्रेंगल ए डी ई था और दूसरा ट्रेंगल ए बी ओ था। ये दोनों ट्रेंगल्स क्या थे? सिमिलर थे। क्यों? क्योंकि ये एंगल इसमें इस एंगल के बराबर था और ये एंगल दोनों में क्या था? कॉमन था। तो ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो गए। और दोनों ट्रेंगल जब सिमिलर हैं तो सिमिलर ट्रेंगल में कंडीशन क्या होती है कि इनमें किन्हीं भी दो साइड्स का रेशियो क्या होता है? किन्हीं दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब जैसे अगर हम इस ट्रेंगल की बात करें तो इसमें ये साइड और ये साइड का जो रेशियो होगा वही इस बड़े वाले ट्रेंगल में इस साइड और इस साइड का रेशियो होगा, उसी के अकॉर्डिंग ये लिखा गया है। यहाँ पर क्या लिखा गया है? डी ई अपॉन ए ई, मतलब ये चीज और ये चीज, ये साइड और ये साइड बराबर होगा, ये साइड और ये साइड। तो डी ई अपॉन ए ई इक्वल क्या होगा? ओ बी अपॉन ओ ए। डी ई हमें नहीं पता था, लिख दिया डी ई, और ए ई हमारा क्या है? h/2, ओ बी आर है, ओ ए एच है, सबको सॉल्व किया तो डी ई इक्वल क्या आ गया? r/2। मतलब जो ऊपर हमारा शंकु बन रहा था उसकी रेडियस हमको पता चल गई कि ऊपर जो बनने वाला शंकु है उसका जो रेडियस है वो क्या होगी? r/2। जब रेडियस पता चल गई तो ऊपर वाले कोन का, ऊपर वाले शंकु का जो आयतन होगा वो क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर की जगह r/2 उसका स्क्वायर इंटू एच की जगह h/2 सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 8। अब ये तो हो गया जो शंकु ऊपर बन रहा था ए डी एफ, उस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 8 आ गया। अब हम पूरा वॉल्यूम, पूरे शंकु का अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो पूरे शंकु का वॉल्यूम क्या आएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। पूरे शंकु का बच्चों वॉल्यूम कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ऊपर वाले शंकु का आयतन कितना है? इतना है। तो अगर पूरे में हम ऊपर वाले का हटा दें तो लोअर पार्ट का वॉल्यूम, नीचे का जो आयतन है, नीचे वाले पार्ट का जो आयतन है वो हमको पता चल जाएगा। तो नीचे वाले पार्ट का आयतन क्या होगा? देन वॉल्यूम ऑफ लोअर पार्ट क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 8। सॉल्व कर लिया तो इस तरीके से आ गया। तो ये लोअर पार्ट का वॉल्यूम बच्चों इतना आ गया, अपर पार्ट का वॉल्यूम इतना था, मतलब ऊपर वाले शंकु का आयतन इतना था और नीचे जो पार्ट बच रहा था उसका आयतन इतना था। बस इन्हीं दोनों के आयतनों का अनुपात ही तो निकालना था हमको। तो बस यही हमने किया है कि देन रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, अपर पार्ट का वॉल्यूम ये आ रहा था, लोअर पार्ट का वॉल्यूम ये आ रहा था, दोनों को अपॉन कर दिया और सॉल्व कर लिया तो इस तरीके से आंसर आ गया हमारा 1:7। मीन्स जब इस शंकु को बीच से हमने काट दिया तो ऊपर वाले पार्ट का जो आयतन होगा अगर एक भाग होगा तो नीचे जो पार्ट बच रहा है उसका आयतन क्या होगा? 7 भाग। तो था ना बच्चों बहुत बहुत उम्दा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आप इस क्वेश्चन को सीखा होगा। और चलिए अब देखते हैं कि अब अपना अगला क्वेश्चन क्या है। प्यारे बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज पार्शियली फिल्ड विद वाटर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, लंब वृत्तीय बेलन है, या आप ये कह लें कि लंब वृत्ति बेलनाकार पात्र है जो पानी से पूरा भरा है, पूरा नहीं पार्शली, कुछ भाग इसका पानी से भरा है। एक बेलनाकार पात्र है, इसमें कुछ हाइट तक पानी भरा है। टू आयरन स्फेरिकल बॉल्स
आर कंप्लीटली इमर्स्ड इन द वाटर सो दैट हाइट ऑफ द वाटर इन द सिलेंडर राइजेस बाय 4 सेंटीमीटर. इसमें दो आयरन के गोले, लोहे के दो गोले इसमें पूरी तरीके से इस पानी में डुबो दिए जाते हैं, जिससे कि इस सिलेंडर में जो पानी का लेवल है वो कितना बढ़ जाता है, 4 सेंटीमीटर बढ़ जाता है. मतलब पानी का लेवल पहले ये था, तो अब 4 सेंटीमीटर बढ़ के ये हो गया. इस तरीके से है. इफ़ द रेडियस ऑफ वन बॉल इज़ हाफ ऑफ द अदर, यदि एक बॉल की जो बॉल इसमें डुबोई गई हैं उनकी बात कर रहा है, कह रहा है उनमें से एक बॉल की जो रेडियस है वो दूसरे बॉल की रेडियस का क्या है, आधा है. एंड द डायमीटर ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर का जो डायमीटर है वो 18 सेंटीमीटर है, देन रेडियाई ऑफ स्फेरिकल बॉल्स, तो इन गोलों की त्रिज्याएं क्या होंगी. बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है. चले देखें, कॉन्सेप्ट समझिएगा कि एक बेलनाकार पात्र है, उसमें कुछ ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, फिर इसमें आपने दो सॉलिड स्फेयर, दो ठोस गोले इसमें डाल दिए, डुबो दिए पूरी तरीके से, तो जाहिर सी बात है कि अब जो पानी का स्तर होगा, पानी का लेवल होगा, वो ऊपर आ जाएगा. मतलब इन दोनों गोलों का जितना भी वॉल्यूम होगा, इन दोनों गोलों का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम होगा जो इस बेलनाकार पात्र में पानी का लेवल जो बढ़ा है उसका आयतन होगा. ठीक है ना, बात समझ में आ रही. इन भाई पानी का लेवल कितना बढ़ेगा ये इस बात पे ही तो बेस होता है कि जो चीज़ उसमें डुबोई गई है उसका वॉल्यूम कितना होगा. तो जाहिर सी बात है कि जो दो बॉल्स का, जो दो बॉल आपने इमर्स्ड करी हैं, डुबोई हैं, उनका जितना आयतन होगा उतना ही आयतन होगा यहाँ पर जो पानी का लेवल बढ़ा है. क्लियर है ना. तो चलिए, वॉल्यूम ऑफ टू बॉल्स इक्वल होगा द वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज इन, जो बढ़ा है, राइज इन सिलेंडर. सिलेंडर में जो पानी भरा है उसके लेवल में जितनी बढ़ोतरी होगी ये दोनों आयतन उसके बराबर होंगे. मतलब इन दोनों बॉल्स का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ वाटर उस पानी के आयतन के बराबर होगा, जो राइज, जो बढ़ा हुआ है इन सिलेंडर, जो सिलेंडर में पानी का आयतन बढ़ गया है. क्लियर है ना. तो चलिए, वॉल्यूम ऑफ टू बॉल्स, पहले तो हम एक काम कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर क्या होगा. वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर क्या होगा बच्चों, ये होगा नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर क्या होगा बच्चों. सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना. तो चलिए, पाई आर स्क्वायर रेडियस, देखिए इसका डायमीटर कितना दिया था, सिलेंडर का डायमीटर बच्चों 18 दिया था, तो इसकी रेडियस क्या होगी, 9, तो 9 का स्क्वायर हो गया हुआ. और इससे पानी के लेवल में कितने सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो रही थी, 4 सेंटीमीटर, तो इंटू 4 हो गया, कितना हो गया, पाई इंटू 9 का स्क्वायर 81 इंटू 4 कितना हो गया, 324 पाई. क्लियर, 324 पाई ये पानी का आयतन आ गया. और इतना ही आयतन होगा किसका, इन दोनों बॉल्स का. अब बॉल्स में क्या किया गया है, लेट द रेडियस ऑफ वन बॉल, एक बॉल की जो रेडियस है वो आर है, देन रेडियस ऑफ सेकेंड बॉल, दूसरे बॉल की रेडियस क्या हो जाएगी, देन रेडियस ऑफ सेकेंड बॉल, ये उसकी आधी है ना, तो ये हो जाएगी आर बाई टू. मतलब जो दो बॉल्स हमने इस बेलनाकार पात्र में डुबोई हैं उनमें से एक की रेडियस अगर आर है तो दूसरे की रेडियस क्या हो जाएगी, आर बाई टू. तो अब हम इन दोनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो एक का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा, और दूसरे का वॉल्यूम क्या होगा, दूसरे का वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों 4/3 पाई आर बाई टू का क्यूब, क्योंकि उसकी रेडियस क्या है, ये. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये टोटल वॉल्यूम बन जाएगा, देन ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8, ये आ गया टोटल वॉल्यूम. तो ये 4/3 पाई आर क्यूब तो कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन हो गया, ये क्या हो गया, इधर 1 आ जाएगा, इधर 1/8 आ जाएगा, कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा फाइनली 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 8 बन जाए 8 1 9/8, ये तो होगा ना बच्चों। तो इन दोनों बॉल्स का जो वॉल्यूम है वो टोटल आ, ये टोटल वॉल्यूम आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ बोथ बॉल्स, दोनों बॉल का वॉल्यूम, बोथ बॉल्स, क्लियर है ना, दोनों बॉल्स का वॉल्यूम बच्चों इतना है। और ये क्या लिखा था शुरुआत में, हमने लिख दिया था कि दोनों बॉल का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज इन सिलेंडर, इस सिलेंडर में जितना पानी का आयतन बढ़ा है उसके बराबर होगा। तो इन दोनों चीज़ों को आप क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। देन अकॉर्डिंग, देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लिख सकते हैं, कंडीशन लिख सकते हैं, ये चीज़ इसके क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, या ये कह सकते हैं देन ये जो चीज़ आ रही है, ये जो लिखा था वॉल्यूम ऑफ टू बॉल्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज इन सिलेंडर, तो ये हो जाएगा 324 पाई इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 9/8। अब इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। अब 4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 481 आ जाएगा, आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 से और डिवाइड कर दो तो 9 हो गया, तो कितना हो जाएगा 9 × 3, ये 8 भी आ जाएगा इधर, इक्वल क्या हो जाएगा आर क्यूब, 9 × 3 = 27 होता है, ये 8 इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों आर क्यूब। तो अगर हम क्यूब रूट लेंगे तो 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, तो R की वैल्यू क्या आ गई 6, R की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 6, R की वैल्यू 6 आ गई, तो एक की रेडियस अगर 6 है तो दूसरे की रेडियस R/2 है, तो R/2 का मतलब क्या हो जाएगा, एक की रेडियस ये, R/2 मतलब 3, तो एक की रेडियस बच्चों क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर और दूसरे की रेडियस क्या आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, दोनों बॉल की रेडियस पूछी गई थी तो एक की रेडियस क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर और दूसरे की रेडियस क्या आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये क्वेश्चन था बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या बोला गया था, कह रहा था कि एक बेलनाकार पात्र है जिसमें कुछ ऊंचाई तक पानी भरा है। अब इसमें दो हमने ठोस गोले डुबो दिए जिनमें से एक की त्रिज्या दूसरे की त्रिज्या की क्या थी, आधी थी, जिससे कि इस बेलनाकार पात्र में पानी की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। और बेलनाकार जो पात्र है उसका व्यास दिया था 18 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या क्या रही होगी 9 सेंटीमीटर। अब जब हमने उस पानी में उन दोनों बॉल्स को डुबोया है तो जाहिर सी बात है पानी का वॉल्यूम, पानी का जो हाइट होगी वो उतना ही बढ़ेगा, जिससे कि दोनों के वॉल्यूम क्या हो जाएं, बराबर, मतलब जो चीज़ इसमें डुबोई गई है टोटल, मतलब दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज इन सिलेंडर, जो इस बेलनाकार पात्र में पानी की ऊंचाई में बढ़ोतरी हुई है। तो इस तरीके से हमने देख लिया, नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर, अब सिलेंडर में जो पानी है उसका आयतन क्या होगा, सिलेंडर का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई इसकी रेडियस है 9, 9 का स्क्वायर इंटू एच, हाइट क्या है 4, सॉल्व कर लिया 324 पाई, मतलब इतना पानी का आयतन आ गया। अब इतना ही आयतन तो उसका होगा दोनों गोलों का, और उसमें से भी एक की रेडियस क्या है आर, तो दूसरे की रेडियस क्या होगी बच्चों R/2, तो दोनों गोलों का जो टोटल वॉल्यूम होगा, गोले का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो एक का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, दूसरे का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R/2 का क्यूब, सॉल्व कर लिया तो इतना आ गया। जब इतना आ गया तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मतलब ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। और इस तरीके से इसको बच्चों हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, तो एक बॉल की रेडियस क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर और दूसरे बॉल की जो रेडियस आएगी बच्चों वो क्या आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। और एग्जैक्टली क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि जो दो गोले इसमें इमर्स्ड किए गए हैं, डुबोए गए हैं, उनमें से प्रत्येक की रेडियस क्या है, तो एक की रेडियस है बच्चों 6 सेंटीमीटर, दूसरे की रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बस ये जो क्वेश्चन इस तरीके से आप देख रहे हैं, इसमें ये ध्यान रखना कि जैसे किसी भी पात्र में जब पानी भरा होता है उसमें कोई भी चीज़ डुबोते हैं तो पानी का लेवल कितना ऊपर उठ जाएगा, उस आयतन को मेंटेन करने के लिए जो आयतन इसमें डुबोया गया, मतलब जो डुबोई गई चीज़ है उसका वॉल्यूम बराबर कर देना वाटर के वॉल्यूम के, अपने आप चीज़ें क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। ये कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना कि जिस भी पात्र में पानी भरा जाता है पानी उसका ही आकार ग्रहण कर लेता है, पानी का अपना कोई
आप निश्चित आकार नहीं होता। अगर बेलनाकार पात्र में हम पानी को भर रहे हैं तो पानी का शेप बेलनाकार हो जाएगा, शंकु में भर रहे हैं तो शंकुआकार हो जाएगा, गोलाकार किसी पात्र में भर रहे हैं तो उसका शेप गोल हो जाएगा। इस तरीके से पानी या कोई भी लिक्विड जिस पात्र में भरा जाता है उसका शेप वही हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एक क्वेश्चन को बहुत क्या कर देती हैं, आसान कर देती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से अब आप समझ गए होंगे, और चलिए अब बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। ओके प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आया हुआ है। द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ टू स्फीयर्स इज 8:27। कह रहा है द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ टू स्फीयर्स, दो स्फीयर्स हैं, इनके वेट का जो रेशियो है वो 8:27 है। एंड रेशियो ऑफ वेट पर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मटेरियल्स, और जो मटेरियल इसमें यूज किया गया उसका जो वेट पर क्यूबिक सेंटीमीटर, पर क्यूबिक मतलब प्रति घन सेंटीमीटर, एक घन सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, प्रति घन सेंटीमीटर जो इनका वेट है उसका रेशियो क्या है, 8:1। तो कह रहे हैं द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू स्फीयर्स, तो इन स्फीयर्स की रेडियस, रेडिया का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। चले बच्चों एक चीज आपको बता देते हैं, आपने बहुत पहले, बहुत जब क्लास 5th, 6th, 7th में रहे होंगे तो एक चीज़ पढ़ी होगी, डेंसिटी इक्वल क्या होता है, डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये कहीं फार्मूला पढ़ा है ना, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास को जब हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो हमें डेंसिटी पता चल जाती है कि कौन सी चीज़ कितनी डेंस है, कितनी कम डेंस है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप देखते हैं कि जिनका साइज तो छोटा होता है बट भारी बहुत होती हैं, इट मीन्स उनकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा साइज में बड़ी दिखती हैं बट उनका वेट उतना नहीं होता है, तो ये सब डेंसिटी के कारण होता है। ज़्यादा डेंसिटी मतलब ज़्यादा हैवियर, कम डेंसिटी मतलब कम हैवियर, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम यहाँ से मास की बात करें तो मास इक्वल क्या आ जाएगा बच्चों, मास इक्वल आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू क्या हो जाएगा, डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो जाएगा, है ना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मतलब जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो आयतन इनटू घनत्व होता है। हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, चलिए नोट कर लीजिए, मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान इक्वल क्या होता है बच्चों, आयतन इंटू घनत्व। घनत्व का सीधा सा मतलब घनत्व, कौन सी चीज़ कितनी घनी, जो चीज़ जितनी भाई ज़्यादा घनी होगी उसका वजन उतना ही ज़्यादा होगा, जो चीज़ कम घनी होगी उसका वजन उतना कम होगा, ठीक है ना। तो चलिए बस ये ध्यान रखिएगा, तो यहाँ से मास इक्वल क्या आ गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी आ गया। अब बच्चों में काम करते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं कि टू स्फीयर्स हैं, टू स्फीयर्स, एक स्फीयर है ए, इसकी रेडियस हम लेट कर लेते हैं क्या है बच्चों, इसकी रेडियस है आर वन, और इसका जो डेंसिटी है वो क्या है, डी वन, डेंसिटी क्या है, डी वन, है ना। और दूसरे का जो रेडियस है बच्चों वो क्या है, दूसरे की रेडियस है आर टू, और इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है बच्चों, डी टू है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से मास इक्वल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी है, तो बात करें अगर हम स्फीयर ए की, फॉर स्फीयर ए, फॉर स्फीयर ए, फॉर स्फीयर ए, फॉर स्फीयर बी, फॉर स्फीयर बी, गोले ए के लिए, गोले के लिए, तो इसके लिए जो मास है, मास, और इसका जो मास है क्या बन जाएगा बच्चों, बताओ, ये बन जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ ए, मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से मास इक्वल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी है, ये वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 गोला है, तो गोले का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर वन क्यू, क्योंकि इसकी रेडियस आर वन है, और इसकी डेंसिटी क्या ली गई है, डी वन, अपॉन इधर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, और स्फीयर बी की जो रेडियस है वो आर टू है, तो आर टू का क्यूब
इंटू डी टू। अब बच्चों यहां पर ध्यान दो, जो लिखा ना वेट पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जो वेट पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, जो वजन है प्रति घन सेंटीमीटर, जो वजन है प्रति घन सेंटीमीटर, इसी को हम क्या बोल देते हैं, घनत्व तो बोल देते हैं, डेंसिटी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्वेश्चन में डेंसिटी का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 8:1, मीन्स डी वन अपॉन डी टू, यहां पर क्या दिया है, डी वन अपॉन डी टू बच्चों क्या दिया है, 8:1। एक चीज ये दी है हमको, ये दिया है, दूसरा हमको स्फीयर का जो मास का रेशियो है, मीन्स मास ऑफ ए मास ऑफ बी, ये क्या दिया है बच्चों, मास ऑफ बी, ये क्या दिया है, 8:27। ये दो चीज़ें हमको दी हैं, है ना। इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे, तो मास ऑफ ए अपॉन बी ये कितना दिया है बच्चों, इतने की जगह पे क्या आ जाएगा, 8/27 आ जाएगा इक्वल, यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा बच्चों, R1³ अपॉन R2³ इंटू D1 अपॉन D2, और 8/27 इक्वल, इसको लिख सकते हैं R1 अपॉन R2³ इंटू D1 अपॉन D2, बच्चों क्या दिया है, 8/1 दिया है, 8/1। तो देखो 8 से बच्चों ये 8 कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2³ इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, 1/27 क्यूब रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, R1 अपॉन R2 इक्वल हो जाएगा 1³√1, 27³√3। तो R1 अपॉन R2 मतलब जो दोनों स्पेयर्स थे उनके रेडियाई का रेशियो क्या आ गया, 1:3, मीन्स R1 रेशियो R2 इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, 1:3। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन, तो देखा आपने किस तरीके से सॉल्व किया गया है। फिर से एक बात समझ लीजिए, बस आपको क्या ध्यान रखना है, कौन सा फार्मूला लगना है। जो डेंसिटी होती है बच्चों ये क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, इससे मास इक्वल क्या हो जाएगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मतलब जो द्रव्यमान होता है ये आयतन इंटू घनत्व होता है, क्लियर है ना। तो अब हमने यहाँ पर जो टू स्फेयर्स लिए हैं, एक ए है एक बी है, स्फेयर ए का जो गोले ए का रेडियस है वो हमने लेट कर लिया R1 है, और इसका जो डेंसिटी है D1 है। इसी तरीके से गोले बी की, स्फेयर बी की जो रेडियस है वो R2 है, और डेंसिटी क्या है, D2। तो अब इस तरीके से हमने यहाँ पर मास ऑफ ए मास ऑफ बी निकाल लिया, मास इक्वल क्या होता है, वॉल्यूम इंटू D1 मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 πr³ होता है ना, तो 4/3 πr³³ हो जाए, क्योंकि स्फेयर ए के लिए रेडियस क्या है R1, और इसका डेंसिटी क्या है D1। इसी तरीके से स्फेयर बी के लिए 4/3 πr² और इसकी डेंसिटी क्या है, D2 है, ठीक है। इस तरीके से, और जैसा कि ये दिया है क्वेश्चन में कि मास का जो रेशियो दिया है वो 8:27 दिया है, जबकि डेंसिटी का जो रेशियो दिया है वो क्या है, 8:1 दिया है, यहाँ से ये क्वेश्चन में दिया है, इसकी वैल्यू रख देंगे और इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो R1 रेशियो जो R2 है, दोनों स्फेयर का जो रेडियस का अनुपात है वो क्या आ जाएगा बच्चों, 1:3। इस प्रकार से ये बच्चों क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। चलिए प्यार बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। बोला अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर इज पुट इन साइड अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। एक शंकु है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। एक शंकु जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई क्या है बच्चों, 7 सेंटीमीटर है। इसको रखा जाता है किसमें, अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। इसको एक बेलन के अंदर रखा जाता है, एक सिलेंडरकल पॉट है, बेलनाकार पात्र है, उसके अंदर रखा जाता है, जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई क्या है, 8 सेंटीमीटर है। तो ये बेलनाकार जो पात्र है उसमें आपने क्या रख दिया, इस शंकु को रख दिया, तो शंकु ने अपना जगह तो कवर कर लिया। तो कह रहा है हाउ मच वाटर इन क्यूबिक सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द सिलेंडर कंप्लीटली। तो आप इसमें कितना पानी और भरना पड़ेगा जिससे कि सिलेंडर या बेलनाकार पात्र पूरी तरीके से भर जाए। सिंपल सी बात है, फिर से समझिए, एक बेलनाकार पात्र है, उस बेलनाकार पात्र में अभी कुछ भी नहीं है, फिर उसमें आपने एक कोन को रख दिया, एक शंकु को रख दिया,
तो शंकु अपना कुछ स्थान कुछ जगह तो कवर कर लेगा, कुछ वॉल्यूम तो कवर कर लेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो बाकी वॉल्यूम बचा है वो हमें फिल करना है किससे, वाटर से। तो कितने वाटर की आवश्यकता होगी, मतलब सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो कोन के वॉल्यूम प्लस वाटर के वॉल्यूम के क्या होगा बच्चों, बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा भाई। ये कोई बेलन समझिए, इसमें हमने क्या रख दिया शंकु, शंकु ने अपना कुछ एरिया कुछ वॉल्यूम कवर कर लिया। अब बाकी वॉल्यूम को आपको किससे फिल करना है, वाटर से। तो वाटर का वॉल्यूम और जो उसके अंदर कोन रखा है, इन दोनों के वॉल्यूम का जो सम होगा, आयतन का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा कि नहीं। तो बस इसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होना है। तो चलिए, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन जो आपने कोन उसमें रखा है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन होगा, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस क्या है इसकी 4, तो 4 × 4, और हाइट इसकी क्या है बच्चों, 7 है। कितना हो गया, 4 × 4 = 16, 7 = 112 पाई अपॉन 3, है ना। इतना बच्चों ये कोन का वॉल्यूम आ गया, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या रहे, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और जो बेलन है उसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा बच्चों, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस क्या है बच्चों, 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 5 इंटू हाइट इसकी क्या है बच्चों, 8 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 8 = 200 पाई। बच्चों टोटल वॉल्यूम है 200 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इसमें से 112/3 पाई किसने कवर कर लिया है, कोन ने। जो हमारा सिलेंड्रिकल पॉट है, बेलनाकार पात्र है, उसका टोटल जो वॉल्यूम आ रहा है वो बच्चों कितना आ रहा है, 200 पाई टोटल वॉल्यूम होना चाहिए। उसमें से आपने शंकु को रख दिया जिसका कि वॉल्यूम कितना आ रहा है, 112/3 पाई, इतना वॉल्यूम तो उसने कवर कर लिया। तो बाकी जितना बचा वो उतना ही तो पानी भरेंगे, तो रिक्वायर्ड वाटर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इस टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। सो नाउ रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर कितने पानी की आवश्यकता पड़ेगी जिससे कि ये कंप्लीटली भर जाए। तो जाहिर सी बात है टोटल में से इसको क्या कर देंगे, माइनस। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 200 पाई - 112 पाई / 3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 200 पाई - 200 पाई × 3, दैट इज 600 पाई - 112 पाई / कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा, 600 में 112 माइनस करेंगे तो 488 आ जाएगा, 488 पाई / क्या आएगा बच्चों, 3, 488/3 × 22/7 कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपको, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा 22 × 8 = 176, मतलब 6 आ गया, 17 आ गया, 22 × 8 = 176 में आपको 17 ऐड करना, तो 76 and 10 86 86 and 7 93, कितना आ जाएगा, 93 3 19, 22 × 4 = 88 88 and 19, तो 107 आ जाएगा, है ना। तो 10736 ऊपर आ गया, और नीचे क्या आ गया, 3 7 = 21 21, से अब इसको डिवाइड करना है, तो 21 से इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, 10736 है तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21 5 = 105, कितना आ गया, 2 3 1 21, तो 2 और ये 6 1, तो 511 point something आ जाएगा। तो ये आ जाएगा फाइनली अप्रॉक्स में बोल सकते हैं इसको कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स में आ जाएगा बच्चों कितना, अप्रॉक्स 511 cm³। तो इतना पानी और आपको भरना पड़ेगा, क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, 511 cm³ अप्रॉक्स, लगभग 511 cm³ पानी आपको भरना पड़ेगा। तो ये था क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था,
बस समझना था कि मतलब क्या है। देखिए जो कोन का वॉल्यूम है वो कितना है बच्चों, 1/3 πr² है, जिसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 112/3π। इतना उस शंकु का आयतन है और सिलेंडर का आयतन कितना πr² है, जिसको हमने देख लिया तो कितना आ गया 200π। ये बेलनाकार पात्र पूरी तरीके से खाली था, मतलब टोटल वॉल्यूम होना चाहिए था 200π, जिसमें से जब आपने इसको रख दिया तो इतना वॉल्यूम तो कवर हो गया, तो बाकी वॉल्यूम कितना बचा होगा, इतना जिसकी भरपाई आप किससे कर रहे हैं, वाटर से, तो वाटर का वॉल्यूम कितना निकलेगा, इन दोनों का माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो इस तरीके से कितना आ जाएगा बच्चों, लगभग 511 cm³ पानी की और आवश्यकता पड़ेगी, जिससे कि एक जो सिलेंडर है वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो आप लगातार देख रहे हैं कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस चल रहे हैं, हर तरीके का क्वेश्चन हम इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी टाइप का क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए, किसी भी तरीके से आपसे कोई कमी ना रह पाए। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है।